तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार था। इस साल सिनेमाघर में रिलीज हुई ये अक्षय कुमार की चौथी फिल्म है। दिवाली से दूसरे दिन रिलीज हुई राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने में सफल साबित नहीं हो पाई। ओपनिंग डे के बाद से ही फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अब तीसरे दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है। राम सेतु ने ओपनिंग डे पर 15.25 करोड़ रुपए की कलेक्शन की, जिसमें हिंदी में 15.2 करोड़। वहीं दूसरे दिन की कलेक्शन की बात करो तो दूसरे दिन कलेक्शन में गिरावट है और इसने 11.4 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें हिंदी में ही सिर्फ 11.38 करोड़ रुपए की कमाई की। तमिल और तेलुगु में इसने 1-1 लाख रुपए का कारोबार किया। ऐसे में फिल्म साउथ में अच्छा प्रदर्शन करती नजर नहीं आ रही। वहीं अब तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करो तो इसमें और भी ज्यादा कमी आई। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को फिल्म ने 7.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऐसे में अब फिल्म की कुल कमाई 34.45 करोड़ रुपए हो गई है। बता दें, अक्षय कुमार की राम सेतु को करीब 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। अभिषेक शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित राम सेतु को लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। वही फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा, शुभम सत्यदेव और नासिर जैसे काबिल अभिनेता शामिल है। अभिषेक शर्मा राम सेतु से पहले 2020 में आई सूरज पर मंगल बारी का निर्देशन कर चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। बाकी दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अर्ली एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि चौथे दिन ये मूवी 6 से लेकर 7 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।